फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शालू डेडास किचन। आज हम बनाएंगे बाखला की सब्ज़ी। ये मेरे बाखला है, इनके हम रेशे आगे से कट करके और फिर से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी इन्हें कट करने से पहले वॉश कर लेना, क्योंकि इन कट करने के बाद वॉश नहीं करते। ये मेरे दो प्याज हैं जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हैं। दो टमाटर हैं। ये मेरी 8 से 10 लहसुन की कली है, इन्हें मैं अच्छे से कूट के डालूंगी। ये मेरे 6 से 7 आलू हैं जो मैंने वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। ये मैंने अपना कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। ये गर्म हो जाएगा अच्छे से, फिर इसमें अपना ऑयल डालूंगी। जब तक मेरा कुकर गर्म होता है तब तक मैं अपने मसाले रेडी कर लेती हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 6 से 7 लहसुन की कली जो मैंने कूट के इसमें डाल लिया। मैं इस मसाले को मिक्स कर दूंगी। ये मेरा कुकर गर्म हो गया, मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें जीरा और 4 से 5 लहसुन की कली डाल दूंगी। मैंने इसमें अपना जीरा और 4 से 5 लहसुन की कली कट करके डाल दिया। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इन्हें मिक्स कर दूंगी, 2 टीस्पून बस, ज़्यादा नहीं। अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आगे देखते हैं। मेरे गार्लिक और जीरा ब्राउन हो गए हैं, मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। अभी प्याज ऐड कर दिए इसमें। अभी इन्हें 2 मिनट तक मैं चलाऊँगी, थोड़ा सा 2 मिनट तक इन्हें चलाना है जब तक ये थोड़ी ब्राउन हो जाएंगी। ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, मैं इसमें अपने टमाटर ऐड करूँगी। इसमें टमाटर डालूँगी। अभी 2 मिनट तक भूनना है जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो 2 मिनट तक पकाएंगे। आपको पता है हर बार की तरह इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे कि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसमें अपना नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी। अब मैं इसमें अपने बाखला ऐड कर दूंगी, फिर 2 मिनट इन्हें भी पकाएंगे। मैंने इस जो मैंने मिक्स कर रखा है अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले के साथ ही मैं इसमें अपने पोटैटो ऐड कर दूंगी, आलू जो मैंने वॉश करके रख रखे हैं। ये मैंने आलू ऐड कर दिए, इन्हें भी मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसमें पहले मैंने नमक कम ऐड किया था, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें अपने पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना, जिस कटोरी में हमने मसाला मिक्स किया था वो 1/2 कटोरी पानी लेना है बस, जिससे कि अच्छे से गल जाए सब्ज़ी। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, इसे मिक्स करके मैं कुकर बंद कर दूंगी और इसमें 4 से 5 सीटी लगाऊंगी। फिर आगे